अस्सलाम वालेकुम, नाज़िमा तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ थ्रेड चिकन की रेसिपी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। थ्रेड चिकन बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले ली हूँ इस तरीके की बोनलेस चिकन, और इस तरीके से मैंने इसको लंबे स्लाइस में पीसेस में कट कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके धो लिया है और इसका सारा पानी ड्राई हो जाए इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो चलिए इसका मैरिनेशन बनाते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे एक बाउल और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सी हल्दी और 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 2 चम्मच दही, 1 टेबलस्पून विनेगर, इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे हम इसमें 1 अंडा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और स्वाद अनुसार नमक। और ये हमारे कट किए हुए चिकन को इसमें हम ऐड कर देंगे। और इन सबको हम अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे। चलिए जब तक हमारा चिकन सेट हो रहा है तब तक कि यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले ली हूँ, ये चिकन को कोट करने के लिए मैंने इस तरीके की समोसे की पट्टी ली है ये शीट से, और ये इस तरीके से मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो समोसे की शीट ले सकते हैं या रोल की शीट ले सकते हैं, कोई भी शीट चलेगा। तो मैंने यहाँ पे ये समोसे की शीट ले लिया। अब चलिए इसे हम एकदम बारीक कट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने 3 से 4 ये शीट्स ले लिए हैं। इस तरीके से हम इसे बारीक कट कर लेंगे। जितनी बारीक कट करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा। देखिए इसी तरीके से हमें एकदम बारीक पट्टी काट लेनी है। जितना बारीक आप काटेंगे चिकन पे उतना ही अच्छा वो पतली पतली पट्टियाँ दिखेंगी और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होएगा। जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा ही रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से हमें सारे पट्टी काट लेने हैं। चलिए देखिए इस तरीके से मैंने पूरी पट्टियाँ बारीक से काट ली है और अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और स्टिक में मैंने चिकन को इस लगा के इस तरीके से हमें पट्टियों में कोट करना है दबा दबा के। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमारी सारी स्टिक रेडी हो चुकी है इस तरीके से। चलिए अब इसे तलने के प्रोसेस पर चलते हैं। चलिए तेल हो गया हमारा गर्म, अब हम एक एक स्टिक इसमें संभाल के डाल देंगे
तेल गरम हो जाए तो गैस को स्लो कर दे थोड़ा, और इसे हमें धीरे धीरे फ्राई कर लेना है। और जितनी स्टिक आएगी हम उतने ही स्टिक डालेंगे। और एक तरफ से थोड़ा अच्छे से पक जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। चलिए एक तरफ से थोड़ा सा हार्ड हुआ है, अब इसको हम संभाल के इस तरीके से पलट देंगे और गोल्डन फ्राई होने तक के हम इसे तल लेना है। और हमारा चिकन अच्छे से अंदर से गल जाना चाहिए, इसीलिए हमें धीरे धीरे इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं, ये हमारा अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है हमारी स्टिक। और हम इसे अब एक एक करके इस तरीके से निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फ्राई हुआ है माशाल्लाह। चलिए इसी तरह से हम बाकी और सारे तल लेंगे। चलिए ये देखिए हमारे सारे थ्रेड चिकन फ्राई रेडी है और बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। चलिए अब हम इस तरीके से सर्व करेंगे। इस तरीके का आप बना के ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान में, आपकी फैमिली या कोई गेस्ट अगर आपके घर पे आ रहा है तो इस तरीके से बना के अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही पसंद आएगा, सब बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस तरीके से हमने प्रेजेंट किया है और इसके साथ हम रखेंगे मेयोनीज और टमाटो केचप का सॉस जो इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। और ये रेसिपी आप ज़रूर इस रमज़ान में ट्राई करें। इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।